हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साधन। साधन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने अभी पिछला वीडियो किया था जिसमें इस मार्केट क्रैश में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मास्टर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने क्या बताया है, हमें उनसे क्या सीखनी चाहिए, इस पे वो वीडियो था। उस वीडियो के बाद हम मुझे कुछ प्राइवेट मैसेजेस आए कि न्यू बिगनर्स इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस पे भी वीडियो बनाइए। तो हम आप उसी के मद्देनज़र ये वीडियो है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वॉरेन बफेट की कोर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो रही है वो रही है, दो टेनेट्स है उसके, पहला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन इन्वेस्टिंग जो है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के सबसे तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है इस पे हम अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको सपोज़ 9 बजे ऑफिस जाना है और आप घर से आपके ऑफिस की दूरी 1 घंटे की है, तो आप 8 बजे निकलते हो, नहीं शायद आप 7:45 में निकलते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा सोचते हो कि कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, मेट्रो नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, या कुछ सिग्नल ज़्यादा देर के लिए रेड रह गया, तो आप जो 15 मिनट पहले निकलते हो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये सेम प्रिंसिपल को इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जाना चाहिए फेयर प्राइस सर्टेन करना चाहते हो किसी स्टॉक की, तो वो होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ये आपकी असेसमेंट होती है किसी कंपनी की, कि किसी कंपनी की फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और उसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो एक तरीके से डिस्काउंट फैक्टर की तरह यूज होता है से मल्टीप्लाई करके आप फेयर प्राइस यानी जिस प्राइस पे आपको खरीदना है वो एसर्टेड करते हो। तो फेयर वैल्यू जो आपका असेसमेंट है और स्टॉक प्राइस वो जनरली इस तरह से मूव करते हैं। ये ब्लू वाली लाइन फेयर वैल्यू की है, किसी कंपनी की फेयर वैल्यू जो है उसके बिजनेस के प्रमोशन में बढ़ती रहती है। जैसे वो 20 से स्टार्ट हुआ और वो जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है 60-64 तक पहुँच रहा है, एक ब्लू लाइन एक लीनियर लाइन है। दूसरी जो है स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो हम इसी तरीके से एक चार्ट में समझेंगे कि बाइंग कब करनी चाहिए विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसी चार्ट को अगर एक छोटे से टुकड़े को निकालें तो फेयर वैल्यू जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कह के दिखाया हुआ है ब्लू कलर से, वो एक लाइन है जो कि स्ट्रेट ऊपर जा रही है, और ये स्टॉक प्राइस की का चार्ट है। तो स्टॉक प्राइस उसको ट्रेल कर रहा है फॉर अ सिग्निफिकेंट पोजीशन टाइम। तो जब वो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करते हो कि 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो मैं ऐड करूँगा, तो ये 20% है, तो उससे जब भी ये नीचे होता है तो आपके लिए बाय जोन है, आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा जो है वो प्राइस पेड पे डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खरीद रहे होते तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती, यहाँ पे खरीद रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इस चीज़ को और हम जानना चाहेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको मार्जिन ऑफ एरर देता है, अगर आपने कोई गलती की तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बचा लेता है। साथ ही साथ ये आपके कैपिटल को जस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता है बल्कि आपके रिटर्न को भी इन्हांस करता है, क्योंकि आपने कम में खरीदा। तो अब चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे होते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर अपने ही स्टॉक बायबैक कर रही होती है, तो वॉरेन बफेट ने ही बताया है कि अगर आप एक किसी स्टॉक में आप नेट बायर हो, किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो जो कि शेयर बायबैक जैसे अनाउंस कर दिया है, तो अगर आप उस कंपनी के में खरीद अगर आप खरीदोगे तो आप अगर आप उस कंपनी के नेट बायर होने जा रहे हो फ्यूचर में, तो अगर स्टॉक प्राइस उस कंपनी के स्टॉक के बढ़ते हैं तो आप के लिए ये घाटा है, अगर स्टॉक प्राइस कम होते हैं तब आपको फ़ायदा होगा। एक्चुअली उन्होंने सिंप्लीफाई किया, कोर इसका क्या है कि इमोशंस ही इस यहाँ पे कोर है, कि ये इमोशंस कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मैटर्स को। बहुत लोगों को लगता है कि जो कि नेट बायर होंगे फ्यूचर में उस स्टॉक के, वो स्टॉक प्राइस के ऊपर जाते हुए देख करके कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है कि कोई शेयर होल्डर है वो एक ऐसे आपके पास बाइक हो और आप एक बाइक राइडर की तरह ऐसे भी है, वो खुश हो जाए कि मेरे पास टंकी फुल है और
पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई अगले दिन, तो आप थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, क्षणिक खुशी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान होगा। तो आपके लिए फायदे का सौदा तब है जब कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिए और उस शेयर के स्टॉक्स की प्राइस गिर रही हो, तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई कंपनी अवेलेबल है ऐसे शेयर प्राइस पे जो उसके नेट कैश से कम है। नेट कैश यानी किसी कंपनी के बैलेंस शीट में कैश एक पोर्शन होता है जो करंट एसेट में रहता है, जो हमने अपने पुराने वीडियो में बताया। तो उस कैश पोजीशन की वैल्यू सपोज 50 करोड़ है और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 40 करोड़ है या 45-50 करोड़ है, इसका मतलब कि वो अपने कैश जितनी उसकी बैलेंस शीट में जितनी कैश है उससे कम पे मार्केट में ट्रेड कर रही है, तो ऑब्वियसली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है कंपनी के बाकी एसेट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने ऐसा ही किया था 1950s में, जब उन्होंने यूनियन स्ट्रीट रेलवे, एक रेलवे स्टॉक था, उस वो अपने नेट कैश से कम में अवेलेबल था, तो वॉरेन बफेट ने उसे जम के खरीदा था और काफ़ी पैसे बनाए थे। अब हम चलते हैं कि एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल हो सकता है। आईसीआईसी बैंक, चलिए अब आपको पता होगा कि बैंक को जब वैल्यू करते हैं तो जनरली प्राइस टू बुक लेते हैं। इस पे हम एक वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि बैंक्स और एनबीएफसी को कैसे वैल्यू करते हैं। फिलहाल आप ये जान लें कि सबसे पॉपुलर तरीका जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू है किसी बैंक को वैल्यू करने का। तो हमने आईसीआईसी बैंक के प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट निकाला पिछले 5 सालों का। तो ये चार्ट बता रहा है कि पिछले 5 सालों में ये प्राइस टू बुक वैल्यू कभी दो दो से ऊपर ही रही है, जनरली दो के ऊपर, 2 से 3 तक गई है, और इसका एवरेज जो है 1.92 रहा है। लेकिन आज हम अगर हम अभी देखें तो इसकी वैल्यू 1.68 है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.68 है। तो ये हमें रफली 12.5% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू 1.92 है और ये 1.68 में अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पे आप एक कॉल ले सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये बिल्कुल ही करेंट डेटा है, आप ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमने प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप अपना होमवर्क जरूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू आईसीआईसी बैंक। चलिए आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को जो वॉरेन बफेट ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं आपको अमीर होने के नुस्खे बता रहा हूँ, अपने दरवाजे बंद कर लें और सुने। आप डर जाएं, अगर आप भयभीत महसूस करें जब बाकी लोग ग्रीडी महसूस कर रहे हैं, जब बाकी लोग लालची महसूस कर रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए मार्केट में, और आप बाकी लोग जब डर रहे हो तो आपको लालची की तरह एक्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो जनरली पैसे डुबाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब किसी स्टॉक की प्राइस ऐसे मूव करती है साइक्लिकल, तो जब ग्रीड सबसे पीक पे रहता है तब तो आप खरीद लो जब उसमें बहुत ही मोमेंटम बना हुआ है, और जब वो स्टॉक में कुछ माइक्रो कारणों से या उस स्टॉक के परफॉर्मेंस की वजह से बहुत मार्केट में फियर है तो स्टॉक प्राइस गिर जाती है, बेच दो। आप ये करते रहो जब तक आप ब्रोक ना हो जाओ। ये तरीका है पैसे डुबाने का। ये बिल्कुल उल्टा है जो वॉरेन बफेट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट कर रहे हैं कि बाय लो कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो इसी चार्ट को हमने थोड़ा डिटेल में देखा है कि वो सेम चार्ट है, वो ये बताता है कि शुरुआत में लोग कॉशियस होते हैं। कोई इन्वेस्टर एक स्टॉक में जाता है तो बोलता है कि ठीक है मैं वेट कर लूंगा, इफ इट अगर ये प्राइस बढ़ रही है मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिर जब वो उनको लगता है कि अब स्टॉक प्राइस बढ़ने लगती है तो उन्हें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये लगता है चलता रहेगा, ये मिल गया मुझे ग्रोथ स्टॉक, ये चलता रहेगा, और फिर उसके बाद ज़्यादा लोग उसे खरीदने लगते हैं और उस स्टॉक स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चल की तरफ चला जाता है। लोगों को लगता है ये सीधा ऊपर ही जाएगा, लेकिन उनको लगता है कि बहुत ही आसान पैसा है, हम लोग उधार लेकर के पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर लेकिन स्टॉक जैसे सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं, स्टॉक प्राइस भी करेक्ट होता है, तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा माइनर हिकअप है, थोड़े दिनों में वापस प्राइस आ जाएगी। ये टिपिकली आपको आपने अगर मनी कंट्रोल के मैसेज बोर्ड पे पढ़ा होगा तो ये जनरली ये बहुत ही कॉमन इमोशन है डिनायल का। फिर उनको डिस्पेयर होता है, उनको निराशा होती है, ओह अब मैं सारा स्टॉक बेच रहा हूँ जो भी हो, आई डोंट केयर, मैं अपने लॉस कट कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ, बेच देते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बेच देते हैं डेस्परेशन में, डेस्परेट होकर के, और बोलते हैं मैं इस शेयर में कभी नहीं घुसूंगा,
और फिर जब शेयर प्राइस फिर बढ़ने लगती है थोड़ी सी, क्योंकि करेक्शन के बाद फिर प्राइस बढ़ती शुरू होती है बिकॉज ऑफ, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये तो रिकवरी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। फिर उसके बाद जब और बढ़ जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये शायद ना चले। तो ये एक अच्छे स्टॉक में आप आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, आपने गलत टाइम पे एग्जिट किया आउट ऑफ डेस्परेशन में, और फिर वो स्टॉक फिर आप ऊपर बढ़ गया। आप यहाँ पे जब घुसे थे अगर आपने इस रैली को होल्ड किया रहता और फिर वापस यहाँ निकलते या और वेट करते तो आपको एक अच्छा रिटर्न होता। तो ये साइकोलॉजी है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। तो वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। बुद्धि ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, बिहेव आपकी साइकोलॉजी आपका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा टेम्परामेंट होना चाहिए जो कि क्राउड के बिल्कुल अगेंस्ट होकर के भी ज़्यादा खुश ना हो और बिल्कुल साथ होकर के भी खुश ना हो, क्योंकि भीड़ के साथ आप जाओगे तो आपको भीड़ वाला रिटर्न मिलेगा जो कि पीपीएफ के रिटर्न से भी कम होने वाला है। तो आगे चलते हैं कि इनकी उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बहुत ही नोट करने लायक है कि मार्केट्स जनरली रैशनल होते हैं लेकिन कभी कभी वो क्रेजी चीजें भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जब अपॉर्चुनिटी मिले तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको क्या चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपको इंटेलिजेंस नहीं चाहिए बहुत, कोई इकोनॉमिक्स या एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब की नॉलेज नहीं चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिली और उस पर छक्के मारने हैं। तो इन्वेस्टर को जो चाहिए उसके बदले में वो है कि मॉब भीड़ के डर और एंथुजियाज्म से दूर रहना चाहिए और फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आपको ये फंडामेंटल पे फोकस करके आपको भीड़ के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको फूलिशनेस महसूस होगी, बट ये ज़रूरी है। आए वैसे भी स्टीव जॉब्स ने कहा है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो फुलिश रहना कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट शायद जो स्टॉक को अगर जो खरीद रहा है आप उसे बेच रहे हो तो आपको लगेगा फुलिश है, बट लॉन्ग टर्म में आप पैसे बनाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है लेकिन जब माहौल में काफ़ी डर हो तो इन्वेस्टर का वो बेस्ट समय होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, उस समय एक्ट करना चाहिए। आप सही सीखते हैं वॉरेन बफेट ने खुद क्या किया, जब 2008 में लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था तो उन्होंने इस मेल्टडाउन का फ़ायदा उठाया था, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया था। तो गोल्डमैन सैक्स का उनका इन्वेस्टमेंट जो था वो अभी देख लो अब क्या हो रहा हुआ। उस समय 2008 में उन्होंने बफेट ने रफली 60-70 पे बाय किया था डॉलर पे, और अभी देखो आराम से 200-250 तक वो स्टॉक गया है। तो उन्होंने अपने मनी को रफली 4 टाइम्स कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। तो इसी तरीके से हमें भी सीखना है और आगे बढ़ना है वॉरेन बफेट की तरह। तो आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आपको ये सारी चीज़ें तब समझ में आएंगे जब आपकी फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी होगी, और फंडामेंटल एनालिसिस समझ करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट लगाएं और बिहेवियर साइकोलॉजी बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल इस टेनेट को यूज़ करें और एक लंबे समय के लिए पैसे बनाएं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहें और पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और मार्केट में एक अच्छी लंबी पारी खेल सकें। धन्यवाद।